नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धर्मांतरण के रैकेट चला रहे लोगों का पुलिस भंडाफोड़ कर रही है, साथ ही इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की जा रही है। ये जाल इतना फैला हुआ है कि जब तक पुलिस रैकेट चलाने वालों को सलाखों के पीछे डालती है, तब तक उससे ज्यादा केस यूपी में सामने आ जाते हैं। यूपी की ATS टीम पूरे धर्मांतरण रैकेट की पोल खोलने में जुटी हुई है, लेकिन ये मामले घटने के जाए बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हाल ही में एक और मामला सामने आया है, जिसमें सुल्तानपुर पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पुलिस ने धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर लड़की से शादी की और कई बार उसका एबॉर्शन भी करवाया, लेकिन जब लड़की ने धर्मांतरण करने से ही मना कर दिया तो आरोपी युवक फरार हो गया। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला का कहना है कि अब फहीम उसके बच्चों को अपनाने से ही इनकार कर रहा है। पुलिस के मुताबिक शहर निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि फहीम कुरैशी शादी के बहाने 10 साल से उसके साथ रेप करता रहा और उसने बताया था कि वो हिंदू है और वो नाम बदलकर उससे मिला था। इसके बाद उसके साथ दोस्ती हुई तो वो लगातार उसके साथ रेप करता रहा। इस दौरान वो कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन उसने बार बार महिला का गर्भपात करा दिया। उसने 2018 में उससे शादी की थी और 2019 में उसने एक बार फिर उसका एबॉर्शन करवा दिया और इन दिनों वो 8 महीने की गर्भवती है। और फहीम जो कि आरोपी है, बच्चे को अपना मानने से ही इनकार कर रहा है। महिला का कहना है कि फहीम ने उस पर बार बार मुस्लिम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई और अब वो उसे प्रताड़ित कर रहा है और उसके बच्चे को भी मानने से इनकार कर रहा है। महिला ने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले भी कई बार धर्मांतरण से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं और पुलिस ने इस मामले में कई बार गिरफ्तारियां भी की थी। वहीं यूपी ATS की टीम ने अवैध धर्मांतरण गिरोह के सिंडिकेट से जुड़े मौलाना उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि धर्मांतरण सिंडिकेट को चलाने के लिए इनके अकाउंट में विदेशों से भारी मात्रा में फंडिंग की गई थी। उमर गौतम और उसके साथियों को विदेशों से लगभग 57 करोड़ रुपए की फंडिंग हवाला और दूसरे माध्यमों से की गई थी, जिसके खर्च का ब्यौरा उमर गौतम और उसके साथी नहीं दे सके थे। आरोपियों के खाते में UK, अमेरिका और अन्य खाड़ी देशों से भारी मात्रा में फंडिंग की जा रही थी। कैपिटल टीवी फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।